माननीय मंत्री औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश सतीश महाना ने अपने निर्धारित जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लावा का स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कोविड-19 से बचाव हेतु किए जा रहे वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण करते हुए संबंधित MOIC को निर्देशित किया कि टीकाकरण के प्रति लोगों के मन में फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए लोगों को अधिक से अधिक टीकाकरण कराए जाने के प्रति जागरूक करें। इसके उपरांत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वावा में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अपने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु 100% टीकाकरण कराया जाए, यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए तथा अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराया जाए। देखिए, पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्भाग्य से जो कोविड ने पूरे विश्व को अपने उसमें जकड़ा, वो एक त्रासदी पिछले कुछ 1-2 महीनों के अंतर्गत हिंदुस्तान में भी देखी, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छी तरीके से उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो जाता। कभी कभी लोग कहते हैं कि यार 1-2% लोगों की फैटालिटी हुई, 1-2% लोगों की मृत्यु हुई। मैं इस बात को सुनकर दुखी होता हूँ। 2% व्यक्ति में से 2 व्यक्ति ज़्यादा, उसका 100% ज़्यादा होता है, 1-2% नहीं ज़्यादा, ये भी दुखद है। लेकिन शासन के सरकार के द्वारा हर प्रकार की तत्परता बरती गई। दुर्भाग्य से इस प्रकार की एक सूचना है, एक प्रकार की प्रेडिक्शंस हैं लोगों को कि किसी वे भी आ सकता है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि किसी प्रकार की कोई वेव नहीं आए, लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से हमारी तैयारी हो। और तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो। हमारे प्रदेश में कल 7.5 लाख के लगभग वैक्सीनेशन हुए, रोज एक दिन में 10 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, उसको और बढ़ाया जाए। वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता हो, वैक्सीनेशन के लिए लोग वैक्सीनेशन ये प्राथमिकता है। कल हरदोई डिस्ट्रिक्ट में ही लगभग 7,500 मेरे ख्याल है कल 17,000 पर लगे, 15,000 का टारगेट था, बल्कि टारगेट से और आगे बढ़ गए। तो लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आगे किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की कोई वेव, कोई प्रकार की कोई कोविड के संबंधित बीमारी को रोकने का सबसे बड़ा साधन हमारे पास है कि वैक्सीनेशन करवाएं। बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करा, हमने देखा कि परसों आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में 85 लाख एक दिन में का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल से उनको भी सब लोग पालन करने का शासन स्तर के ऊपर हर CHC हर PHC ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे, आवश्यकता अनुसार जो मेडिकल इक्विपमेंट उसकी व्यवस्था रहे, दवाइयों की व्यवस्था रहे। ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह सुनिश्चित किया गया कि हर मेडिकल सेंटर के ऊपर इस प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं तीसरी लेव को ध्यान में रखते हुए वो हम करें, उसी का निरीक्षण। पहले से कुछ बड़ा है, लोगों में एक जागरूकता आई है। पहले कुछ समय पहले मैं कहूँ कुछ लोगों ने सामाजिक पाप किया था, सामाजिक पाप की संख्या देना चाहता हूँ कि लोगों को डराया कि वैक्सीनेशन लगवाने से ये हो जाएगा। एक नेताजी ने ये कह दिया कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाऊंगी, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। जब उनके पिताजी को लगवाई गई तो उन्होंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सरकार की है। उनको ये ज्ञान कब उत्पन्न हुआ कि पहले भारतीय जनता पार्टी की, कब उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ कि यह सरकार की वैक्सीनेशन होगी? वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं होती, वैक्सीन सरकार के द्वारा जो हमारे मेडिकल से संबंधित साइंटिस्ट हैं पूरे प्रोसीजर के बाद उसको एक मान्यता होती है, उसको मान्यता दी जाती है। वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी चीज को मान्यता दी। उनका ज्ञान कितना बड़ा है इस बात को समझने, तो उन्होंने लोगों के बीच में जाकर जो भ्रम बनाया था, अब वो भ्रम दूर हो रहा है और लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। शुरू में जितनी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए आ गए थे, आज मुझे कहने को प्रसन्नता है कि उससे ज़्यादा संख्या में, जैसे मैंने कहा कल यहाँ पर 15,000 का टारगेट था और 17,500 वैक्सीनेशन थी, लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो रही है। तो अब ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया कि वॉक इन आप कोई भी आदमी आएगा, चाहे 18 साल का जो भी वैक्सीनेशन के पात्रता श्रेणी रखता है वो आएगा, उस समय रजिस्ट्रेशन करा कि उसका वैक्सीनेशन किया। देखिए, इन लोगों ने मौत के आंकड़े के आधार के ऊपर ये राजनीति करते आए हैं। व्यक्ति को यही अखिलेश यादव जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगेगी, तो मैंने उनका नाम नहीं दिया था, लेकिन आपने नाम दिया था। इन्होंने तो कहा था, इनकी वजह से ही नुकसान हुआ है, इनकी वजह से इन्होंने सामाजिक पार्टी को एक जो भ्रम फैलाया गया था उसको दूर करिए। जनता समझ गई है, अब ये खुद लगवा रहे हैं, अपने पिताजी को भी लगवा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे को धोखा दे रहे हैं।